Students, this is poem The Truth of a 4th standard English reader. It is written by Mr. Anthony Smith. So in this poem, Mr. Anthony Smith lays emphasis on speaking truth. And what is the significance of truth in our life? सच्चाई का हमारे जीवन में क्या मजा है, क्या फायदा है, उन्होंने इस पोइम में ये बताया है. स्टार्टर, डू यू रिमेंबर, डू यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ, क्या आप हमेशा सच बोलते हो? डू यू नो, आप जानते हो, अ पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ, जो आदमी सच बोलता है, इज ऑनेस्ट, वो हमेशा ईमानदार होता है एंड लाइक्ड बाय एवरीवन, और हर कोई इसको पसंद भी करता है. डू यू नो, आप जानते हो, अ पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ, जो आदमी सच बोलता है, इज नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वो किसी से डरता नहीं है. फिर ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स ओवर फॉल्सहुड, सच्चाई की झूठ पर, फॉल्सहुड का मतलब गलत बातों पर या झूठ पर, हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ट्रायम्फ्स का मतलब जीत होती है, सच हमेशा जीतता है. ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, सच हमेशा जीतता है. से वट यू वॉन्ट, मीन वट यू से. तो एंथनी स्मिथ जी बोल रहे हैं कि हमें वही कहना चाहिए, से वट यू वॉन्ट, मीन वट यू से, जो कुछ हम चाहते हैं हमें वो कहना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए. मीन वट यू से, मीन वट यू से, मतलब जो कुछ हमने बोला है उस पर टिके भी रहना चाहिए. मतलब कि हमें फॉल्स प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट मेक फॉल्स प्रॉमिस, इसका मतलब ये. से वॉट यू वॉन्ट, जो कुछ आपके मन में है वो कहना चाहिए आपको. मीन वट यू से, लेकिन जो कुछ आपने कह दिया अब उस पर टिके भी रहो, मतलब प्रॉमिस करके अब पीछे नहीं हटना चाहिए. वी मस्ट नॉट मेक फॉल्स प्रॉमिस. रिमेंबर द डार्केस्ट लाइट्स ऑफ द डे, ये हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम ट्रुथ को के ऊपर चलते हैं तो हम रोशनी में पहुंचेंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू अचीव द डार्केस्ट लाइट्स ऑफ द डे, हम अंधेरे में पहुंच जाएंगे. अगर हम ट्रुथ पे नहीं चलते, अगर हम फॉल्स प्रॉमिस करते हैं या किसी से झूठ बोलते हैं, तो हमें हमेशा ही जीवन में कभी भी उजाला नहीं मिल सकता. कहने का मतलब ये, बी वट यू आर, अपने आप को ऊपरी दिखावा नहीं हमें करना चाहिए, जो कुछ है हमें वही दिखाना चाहिए. डू एज यू प्लीज, जो कुछ हमारा दिल करता है हमें वो करना चाहिए. बी डू एज यू प्लीज, एज यू प्लीज का मतलब एज यू लाइक, जो कुछ आपका मन करता है आपको वो करना चाहिए. ये नहीं कि किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों में आकर तो आप अपनापन ही छोड़ दो. द ट्रूथ इज गोइंग टू ब्रिंग यू टू योर नीज, अगर आप सच बोलते हो, द ट्रूथ इज गोइंग टू ब्रिंग यू टू योर नीज, तो आप हम्बल हो जाओगे, आपकी ईगो खत्म हो जाएगी. ब्रिंग टू योर नीज, आप में जो अंदर हउमै है, मैं की भावना है, वो खत्म हो जाएगी, ईगो है वो खत्म हो जाएगी. यू विल बी हम्बल. द ट्रूथ इज दैट वी ऑल नीड, ट्रूथ एक ऐसी चीज है जिसकी हमें सबको जरूरत है. द ट्रूथ इज द एंड ऑफ ए मिस्ट्री, जो आदमी सच बोलता है उसके जीवन में कभी फिर कोई मिस्ट्री नहीं रहती, मतलब कोई सीक्रेट नहीं रहता, उसको किसी से बात छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. जो झूठ बोलेगा उसी को दोबारा बात छुपाने की जरूरत पड़ती है. द ट्रूथ इज आउट देयर यू विल सी, तो आप देखोगे हमेशा ही जो ट्रूथ है वही निकलकर सामने आता है. आउट देयर यू विल सी, हमेशा ट्रूथ ही जो है वो सामने आता है.